प्रिय विद्यार्थियों, आरती या जो है बानसुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपवर्तन का एग्जाम्पल्स। इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल पढ़ लिया था। ये दूसरा एग्जाम्पल है किसी पात्र में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। चलो वो समझते हैं कि भाई जो कोई पात्र जो होता है, हम लोग बर्तन लेते हैं, अगर हम किसी बर्तन को सिक्का अगर रख देते हैं उसमें, अगर उसको साइड से देखते तो हमें पता लगता है, हमें ऐसा आभास होता है कि वो जो सिक्का है वो जैसे ऊपर उठा हुआ हो, ऐसा हमको आभास होता है। तो आप समझते हैं ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है कि जो सिक्का है वो किसी पात्र में हमें ऊपर उठा हुआ नजर क्यों आता है। देखिए, माना कि हमने ए बी सी डी एक पात्र लिया है, ऐसा मान लेते हैं। माना कि ए बी सी डी एक पात्र है, माना इस पात्र का जो पैंदा है ये इसका पैंदा है, पैंदे में हमने दो सिक्के रख दिए हैं, ये दोनों सिक्के ओ बिंदु पर हैं, तो ये सिक्के क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है सिक्के का। तो यहां भी हम ये लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब, ये वास्तविक प्रतिबिंब है सिक्के का। फिर देखिए आगे, तो यहां जो पात्र है, जो उसका जो पैंदा है, उसके पैंदे में दो सिक्के रखे हुए हैं, यह वास्तविक प्रतिबिंब है सिक्के के। लेकिन हमें तो ये दिखाना है कि भाई ये जो सिक्का है ये हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई क्यों देता है। तो इसमें ऐसा बताया जाता है कि जो सिक्का है यहाँ से लाइट इन्हें, यहाँ से प्रकाश इन्हें चलती है। माना कि अब देखो ये जो पात्र है, ये माना कि इसमें पानी भरा हुआ है, ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है और सिक्का पानी के अंदर है, तो निश्चित है कि क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। अगर पानी, अगर वायु, अगर पानी की हम तुलना करें तो पानी क्या होता है, सघन माध्यम, और वायु क्या कैसे कार्य करता है, विरल माध्यम। तो यहाँ पे जो सिक्का है यहाँ से प्रकाश मिलने चलेंगे, माना कि प्रथम कण यहाँ से आकर यहाँ प्रवेश करती है, यानी यहाँ से ये सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है, क्योंकि यहाँ पानी भरा हुआ है। हमारा ये हो जाएगा सघन माध्यम और यहाँ पर वायु है, ये हो जाएगा विरल माध्यम। तो जैसे ही प्रकाश जब यहां से चल करके यहां सघन से विरल में प्रवेश करती है, तो अपन जानते हैं, अपन ने अपवर्तन पढ़ रखा है, यदि कोई प्रकाश किरण यदि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, वही दूर हट जाती है। तो यह क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात हम जब इस किरण को पीछे की ओर डैश डैश से बढ़ाते हैं तो ये किरण यहाँ जाकर के एक बिंदु पर मिलती है, उसी प्रकार यहाँ पे है। माना कि यहाँ से दूसरी प्रकाश किरण यहाँ जाकर के यहाँ टकराती है, प्रवेश करती है। अब जैसे यहाँ से बाहर निकलेगी, अगर हम यहाँ को लंब डालते हैं ऐसे, तो ये वापस वही नियम अनुसार, क्योंकि ये भी सघन से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर हम इसको पीछे डैश डैश से बढ़ाते हैं ऐसे कि यहाँ आकर मिलती है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ये जो बिंदु है हमारा, जो डैश बिंदु यहाँ पे आकर के मिल रही हैं, इसका मतलब ये है कि इस बिंदु पर, इस बिंदु पे इस सिक्के का एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। इसका हमें आभासी, आभास मतलब आभास के नाम, आभास होगा, हमें यह आभास होगा कि यह सिक्का यहाँ पे नहीं है, हमें यानी ये प्रेक्षक है, भाई कौन है, ये प्रेक्षक है। प्रेक्षक कौन होता है, देखने वाला, मान के हम देख रहे हैं कि सिक्के को पानी में से, तो हम क्या हो गए, हम प्रेक्षक हो गए। तो जो प्रेक्षक जो होता है, जो दर्शक होता है, देखने वाला, उसको यह सिक्का यहाँ नहीं बल्कि उसको यहाँ नजर आएगा, क्योंकि ऊपर उठा हुआ आभास होगा, उसको यहाँ नजर आएगा, यहाँ पे सिक्के का एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये घटना क्यों हुई, ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ प्रकाश किरणें सिक्के से चलती हैं, सिक्के चल करके और जैसे ही इससे बाहर जाती है पात्र से, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है, तो यहाँ का अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के पश्चात जब उनको पीछे की ओर डैश डैश मिलाया जाता है, तो ये बिंदु ऐसा प्राप्त होता है जहां पे ये प्रकाश किरणें हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां सिक्के का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। यही सेम कंडीशन यहाँ पे होती है,
यहाँ माना है बिंदु पर सिक्का रखा हुआ है, सेम कंडीशन है, तो मानो यहाँ से प्रकाश में चलती है सीधी, जो कि 90 कोण पे यहाँ से निकल जाती है, मानो द्वितीय किरण यहाँ आकर के वही यहाँ फिर से यहाँ पुनः बाहर निकलती है, तो वही बात यहाँ पे है, यहाँ भी सघन माध्यम से और विरल माध्यम प्रवेश करती है। अगर हम यहाँ का विलंब डालते हैं ऐसे, तो ये भी विलंब से दूर हट जाएगी नियम अनुसार, क्योंकि ये भी यहाँ पे सघन माध्यम से यानी पानी से बाहर जाएगी, वायु में जाएगी, तो ये भी यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात अभिलंब दूर हट जाती है। और हम इसको तो पीछे डैश डैश से बढ़ाते हैं, तो ऐसे डैश डैश बढ़ने पर यहाँ पर आकर के मिलती है। उसी प्रकार से ये प्रकाश मतलब पुनः ये भी सघन सी विरल में जा रही है, और हम इसको भी जब पीछे डैश डैश से बढ़ाते हैं, तो ये भी यहाँ जा करके और यहाँ मिलती है। ये जो प्रेक्षक जो होता है, जो देखने वाले दर्शक भी कहते हैं इसको, इसको यह सिक्का यहाँ पर रह दिखाई दे करके यहाँ दिखाई देता है। इसका मतलब ये बिंदु जो ओडेस है, इस बिंदु ओडेस पर सिक्के का एक आभासी प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो जाता है, बन जाता है, तो ये घटना अपवर्तन के कारण होती है। तो ये था हमारा किसी पात्र में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। इसमें ही हमारा हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तारुबा टिमटिमाना। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा रात्रि में जब आकाश साफ होता है, तो उसमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलाओ समझते हैं ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है कि तारे रात्रि में क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कि जो तारे होते हैं, तारों से प्रकाश चलता है, क्योंकि तारे स्वयं प्रकाशमान होते हैं, तारों से जो प्रकाश चलता है तो ये प्रकाश वायुमंडल में से प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए, जैसे माना कि यहाँ पे माना कि ये तारे हैं, माना कि ये तारे हैं, और माना कि हमारा वायुमंडल इस प्रकार से, इसको हम समझ लेते हैं। अब जैसे जो तारे हैं, जब यहां से प्रकाश आएगा इन तारों से, और जैसे ही प्रकाश यहाँ प्रवेश करेगा इस वायुमंडल में, प्रिय विद्यार्थियों अपन जानते हैं कि हमारा जो ये वायुमंडल होता है, आपने पहले छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, इस वायुमंडल में बहुत सारी परत पाई जाती हैं, इस वायुमंडल में बहुत सारे मंडल पाए जाते हैं, जैसे आयन मंडल है, क्षोभ मंडल है, ठीक है, संताप मंडल है, ऐसे हमारा जो वायुमंडल है इसमें बहुत सारे मंडल पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारी परत पाई जाती है। तो जैसे ही प्रकाश यहाँ से चल करके जो हमारा ये वायुमंडल है इसमें प्रवेश करता है, तो यहाँ पे बहुत सारी परत पाई जाती हैं, जिनकी वजह से इनका घनत्व भी सबका अलग अलग होता है। इनका घनत्व अलग होने की वजह से क्या होता है कि लगातार प्रकाश का यहाँ अपवर्तन होता रहता है, और अपवर्तन के पश्चात लगातार प्रकाश की दिशा परिवर्तित होती रहती है, यानी इन परतों का घनत्व अलग अलग होने की वजह से लगातार प्रकाश का अपवर्तन होता रहता है, इससे लगातार प्रकाश की दिशा भी परिवर्तित होती रहती है, जिससे हमारी आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि लगातार विभिन्न प्रकार की परतों में उसका अपवर्तन होता रहता है, तो हमारी आंख में जो रेटिना होता है उस पर इन तारों का हिलता हुआ, जी हाँ, इन तारों का हिलता हुआ प्रतिबिंब बनता है, और हिलते हुए प्रतिबिंब बनने के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये था तारों का टिमटिमाना, ठीक है। तो ये हम एग्जांपल पढ़े, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।